तो दोस्तों सीरियम बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे सेल का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ध्यान में रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन एंड हमें यहाँ पर जो है वो फिर फर्दर लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस काउंटर के अंदर ओवरऑल मेटल इंडेक्स में अभी फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो चलती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सेल के लिए फर्दर नेक्स्ट वीक का विजन क्या बनता है, तो अगर मान लो कि JSW स्टील के रिजल्ट्स की वजह से अगर मेटल सेक्टर गिरा तो सेल इजीली 110 रुपीस का जो इसका सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। ऑलरेडी 130 का सपोर्ट ब्रेक हो गया, 125 का ब्रेक हो गया, 120 का भी ब्रेक हो गया, अब 110 का सपोर्ट बचा हुआ है। अगर ये 110 रुपये के सपोर्ट को भी तोड़ के अगर मान लो सेल नीचे निकल गया तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली हमें 100 रुपीस एंड उसके बाद डायरेक्टली 80 रुपीस पे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है।